हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या चीज के बारे में, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना रोज पाठ के बारे में। और बहुत अच्छे से आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आज ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होगा। और हाँ, आज के इस क्लास को देखने के बाद यकीनन हम बोल सकते हैं कि रोज पाठ से संबंधित जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या सारांश हो, या कुछ भी चीज आपको इससे पूछा जाए ना, आप अच्छे ढंग से बना सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कहानी है रोज पाठ, ये जो कहानी है ना, आज के आज आपका ये माइंड में सेट हो जाने वाली है। इसमें कोई दिक्कत कहीं से गड़बड़ी नहीं है, है ना। ये बात हम प्रॉमिस करते हैं। बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए। जब शुरू स्टार्ट किए हैं तो आप लोग इसको अंत तक देखिए, तभी जाके आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो आप लोग से बस ये प्रॉमिस अभी हम चाहते हैं कि आप लोग एक प्रॉमिस करो कि हाँ भैया, अभी आप लोग अगर इस क्लास से जुड़े हैं, है ना, तो अभी से लेके लास्ट तक आप हमारे साथ रहेंगे। मतलब इस वीडियो के दौरान, इस पूरे चैप्टर के दौरान, तभी जाके, चूंकि आप बीच में स्किप करेंगे या फिर लास्ट में आके आएंगे, है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरू से लेके अंत तक रुकना होगा, अच्छे से ये इसको समझना होगा। ये पूरा एक चैप्टर है, हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, है ना, तो इतना देर में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा, है ना, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। मतलब इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस ढंग से अगर पढ़ना है तो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज हम सोचे कि लाइव ही आके पूरा आपको रोज पाठ अच्छे से कंप्लीट करवाते हैं। तो ये तभी फायदेमंद होगा जब आप लोग शुरू से लेके अंत तक इस क्लास से जुड़े रहोगे, तभी इसका कुछ फायदा निकल के आ पाएगा, इसका कुछ बेनिफिट निकल के आ पाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर वगैरह कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, और सारे बच्चों को लेके आइए, चूंकि आज एक बड़ा सा क्लास है और इसमें हम चाहते हैं और सारे बच्चे जुड़े रहे। तो आप लोग निश्चित रूप से शेयर करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और हम 1 मिनट के अंदर इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक शेयर वगैरह सब लोग कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब लोग, है ना, एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। चलो अब स्टार्ट करते हैं, सब लोग एकदम फुल मोटिवेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, ठीक है। अपना जो आज का ये चैप्टर है, इसका नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है रोज, है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है, रोज, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, रोज चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को जो है बात करोगे, ठीक है, इस ये जो चैप्टर है, ये रोज क्या है, आखिरकार ये रोज है क्या। तो रोज जो है ना, एक कहानी है। रोज क्या है, एक कहानी है, ठीक है, याद रहेगा। रोज क्या है, एक कहानी है ये रोज, ठीक है। कौन सा विद्या है, तो कहानी है। कौन लिखे हैं भाई इसको, अगर सवाल अगर ये रहती है कि इसको लिखे कौन है, इसको लिखे हैं अज्ञेय जी। कौन लिखे हैं, अज्ञेय जी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञेय जी जो हैं, ये लिखे हैं इसको। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञेय, है ना, इनका पूरा नाम है। तो रोज पाठ को अज्ञेय जी लिखे हैं। ये एक क्या है, कहानी है। इस कहानी में ना कुछ कुछ हम आपको पहले ही समझा देते हैं, ताकि आपको अच्छा रहेगा समझने में, ठीक है। एक जो है मालती है, ठीक है, एक जो है मालती, जो है मालती है, ठीक है, जो क्या है, नायिका है इस पूरे चैप्टर का। मालती का एक पति है, है ना, मालती का एक पति है। मालती का पति का नाम क्या है, महेश्वर, महेश्वर, ठीक है। महेश्वर कौन है, मालती का पति है। इस पूरे चैप्टर में मालती के बारे में चर्चा किया गया है, और मालती कौन है, महेश्वर का पति है, ठीक है। चलो पति लिख देते हैं, ठीक है, पति है। और इसका एक बेटा भी है, इसका एक बेटा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है टीटी, है ना, बेटा है, छोटा सा बेटा है, गोद में ही है, उसका नाम क्या है, टीटी। अब इसी सब के बारे में बात चल रही है ना, इसी सब के बारे में पूरे हम लोग को पढ़ना है, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हैं, आई थिंक सब तैयार हैं और सब फुल मोटिवेटेड हैं। बस इसी तरीके से पूरे अभी अच्छे से समझना है, और हम भी सुकून से आराम से इसको पढ़ाएंगे। बस आराम से समझिएगा, देखिएगा, मजा ना आ जाए तब फिर कहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, हम लोग यहाँ पे देखेंगे रोज पाठ जो है अपना, ये रोज पाठ है, ठीक है।
इसके बारे में बात करें तो ये जो है आपके पाठ्यक्रम का ये पांचवा चैप्टर है ना, गद्य का, गद्य खंड का ये पार्ट नंबर 5 है जिसका नाम है रोज। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ अभी देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेखक परिचय के बारे में, ठीक है। लेखक परिचय हम लोग यहाँ पे देखेंगे और देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, व्याख्या पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हम आपको यहाँ पे करके देंगे। तो आज के इस क्लास में ये पूरा चैप्टर का काम तमाम। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आप क्या चीज़, लेखक परिचय, यानी हम लोग जानते हैं अज्ञेय जी के बारे में, सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञेय जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, इनके बारे में जो भी संबंधित सवाल आपके परीक्षा में आती हैं वो सारा चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि रोज पाठ जो है, रोज पाठ एक क्या है, एक कहानी है जिसको लिखे कौन है, जिसके लेखक कौन है, ठीक है, कहानी है। तो कहानीकार कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञेय, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञेय जी। हाँ थोड़ा सा नाम लंबा सा लग रहा होगा, दो तीन लोग का नाम है, हाँ एक ही लोग का नाम है, इन्हीं का नाम है, ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञेय जी जिन्होंने रोज कहानी की मतलब लिखे हैं, ठीक है, रोज कहानी के कहानीकार हैं। इनका जन्म होता है 7 मार्च 1911 को, ठीक है, 7 मार्च 1911 को जन्म होता है, कहाँ पे, कुसैया, ठीक है, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है 7 मार्च 1911 को, और निधन होता है 4 अप्रैल 1978 को, ठीक है, 4 अप्रैल 1978 को इनका निधन होता है, ठीक है। तो ये कुछ डेट आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो ये मूल निवासी थे करतारपुर पंजाब के, ठीक है। देखो इनका जन्म स्थान क्या था, तो इनका जन्म स्थान था कसैया कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, लेकिन ये जो है रहते कहाँ पर थे, मूल निवासी कहाँ के थे, तो ये थे करतारपुर पंजाब में ये रहते थे, ठीक है। अब चलो इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं कि माता पिता कौन थे, तो माता पिता कौन थे, चलो तो माता का नाम था बेंती देवी, ठीक है, याद रखे, माता का नाम था बेंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि एक प्रख्यात बहुत ही फेमस एक पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, पुरातत्व वगैरह पुरानी चीज़ों के बारे में खोज वगैरह करते रहते थे। तो माता का नाम था अज्ञेय जी के, माता का नाम क्या था, ठीक है, अज्ञेय जी के माता का नाम क्या है, अज्ञेय जी का माता का नाम है बेंती देवी और पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है, चलो ठीक है, चलो हाँ जी 1987 है यहाँ पे, एक जो है ये एक नहीं है, ठीक है, 1987 ही है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ये शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त की है। सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में ना अच्छे से हम लोग को जानना बहुत जरूरी रहता है, तो शिक्षा ये कहाँ कहाँ से प्राप्त की इसके बारे में जानते हैं। देखो प्रारंभिक 4 साल ये लखनऊ में घर पर ही परीक्षा प्राप्त किए, ये जहाँ से थे, ठीक है, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे ये बेसिकली प्राथमिक 4 साल ना ये लखनऊ में ही अपने घर पे ये शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद मैट्रिक में 1925 में ये पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए थे और इंटर जो है 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए, ठीक है, और बीए उसके बाद जो है बीएससी जो है, ठीक है, बीएससी जो है ये कैसे किए, बीएससी यानी बीए किए थे, बी ग्रेजुएशन किए थे साइंस से, किसे, फॉर्मन कॉलेज से, ठीक है, फॉर्मन कॉलेज से, जो कि लाहौर पंजाब में पड़ता है, कहाँ पे, अब वर्तमान में वो पाकिस्तान में है, ठीक है। चलो एमए वो किए थे अंग्रेजी से, ठीक है, अंग्रेजी से वो किए थे और कहाँ से, लाहौर से, ठीक है। अब देखो क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के से आगे जो है पढ़ाई रुक गई, क्रांतिकारी वगैरह उस समय जितने भी लोग थे ना, जितने भी लेखक थे, क्रांति में पढ़ते ही थे और उसके चक्कर में जेल जाते ही थे, तो ये भी जेल गए थे, उनके कारण पढ़ाई भी रुक गई थी। इनके भाषा ज्ञान देखिए, इनको कौन कौन से भाषा का ज्ञान था, तो देखो तुम लोगों को कितने भाषा का ज्ञान है, ठीक, कितने भाषा का ज्ञान है, तो देखो भाषा का ज्ञान होगा हिंदी का ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत मैथिली, थोड़ा बहुत भोजपुरी, थोड़ा सा मगही, ये सब जानकारी होगा, है ना। इनको क्या क्या भाषा ज्ञान था, देखो संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ठीक है, इसके अतिरिक्त फारसी है, तमिल है, ठीक है, और अनेक भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। देखो सब लैंग्वेज ही अलग है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, ये सारे लैंग्वेज का इनको ज्ञान था, ठीक है। चलो उसके बाद देखो अभिरुचि यहाँ पे कौन कौन है, इनको क्या क्या चीज़ में अभिरुचि था, अज्ञेय जी के बारे में जान रहे हैं कि इनको क्या चीज़, क्या क्या चीज़ में इनको मन लगता था, तो बागवानी करने में, बाग वगैरह में, ठीक है, वो पेड़ पौधा रोपने में इनको बहुत मन लगता था, पर्यटन करने में मन लगता था, अध्ययन आदि के अलावा जो है दर्जनों प्रकार के जो है पेशेवर कार्य में दक्षता था, बहुत अच्छे ये थे, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता था, फोटोग्राफी वगैरह भी करते थे, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में की जो है साहित्यिक यात्रा भी किए थे, है ना।
तो ये सब था। अभी देखो इनको कौन कौन सा सम्मान और पुरस्कार मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है सम्मान और पुरस्कार कौन कौन सा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उसके बाद इनको जो है सुगा, जो कि युगोस्लाविया का जो है सुगा का जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है स्वर्णमाल आदि पुरस्कार इनको मिल चुका है। ठीक है, स्वर्णमाल कहाँ का है? सुगा, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल। चलो अब आगे देखते हैं, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में जो है विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ये रह चुके हैं, ठीक है, आमंत्रित हो चुके हैं। अब चलो इनके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये सारा चीज़ ना आपको ध्यान से अच्छे से एक बार अपने कॉपी में नोट करके पढ़नी होगी, तब जाके उसके बाद जाके ना, मतलब अभी जैसे स्टोरी पढ़ाएंगे आपको तो वो हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बशर्ते ये सब चीज़ तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये इसमें तो आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा एक बार। ठीक है, पत्रकारिता की अगर बात करें तो ये सैनिक किए थे, ठीक है, विशाल भारत, उसके बाद प्रतीक, दीनमान, नया प्रतीक, ठीक है, नव भारत टाइम्स, ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है, थॉट, नव भारत टाइम, थॉट वॉक, उसके बाद है एवरी मेंस, ठीक है, ये सब जो है इनके कुछ अंग्रेजी संपादन हैं, थॉट वॉक और एवरी मेंस, ये सब कुछ इनके अंग्रेजी संपादन हैं। इनकी कृतियों के बारे में अगर बात करोगे कौन कौन से कृति ये लिखे हैं, तो आ जाओ इन ये भी देख लेते हैं, ठीक है, कृति और कहानी ये सब हम लोग देख लेते हैं और फिर कहानी स्टार्ट करेंगे। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की, लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये करते थे। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक जो है नाटक लिखा था। पूछा जाएगा सवाल आपके परीक्षा में कि बचपन में खेलने के लिए कौन से नाटक का रचना किए थे, तो याद रखना है इंद्र सभा का ये रचना किए थे। ठीक है, घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। पूछा जाएगा कि हस्तलिखित पत्रिका कौन सा निकालते थे अज्ञे जी, तो याद रखना है आनंद बंधु निकालते थे। ठीक है, 1924 और 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद का जो है स्काउट पत्रिका सेवा में जो है प्रकाशित हुए थे। 1930 के बाद जो है नियमित लेखन ये शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब इनके कुछ कहानी संकलन के बारे में पढ़ लेते हैं और उपन्यास के बारे में जानते हैं, नाटक के बारे में जानते हैं और उसके बाद खत्म। ठीक है, उसके बाद हम आपको कहानी पढ़ाएंगे। कहानी संकलन में देखो ये कौन क्या क्या लिखे थे, बिप ठगा, उसके बाद यहाँ पे है जैद दोल, ठीक है, ये तेरे प्रतिरूप, उसके बाद है छोरा हुआ रास्ता, उसके बाद है लौटती पगडंडियाँ। ठीक है, ये सब कुछ इनकी कहानियाँ हैं। कहोगे भैया इतने सारे कहानियाँ याद करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको इस सब में ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा, है ना, थोड़ा सा तो इस चीज़ में मेहनत करनी होगी। हम कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बना के आपको पढ़ा सकते हैं कि हाँ भाई एक बार में तुम पढ़ो और तुम बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, लेकिन इसको तो आपको बार बार देखना होगा, है ना, सीरियसली ये आपको अच्छे से देखना होगा। उपन्यास देखो इनका कौन कौन सा है, शेखर एक जीवनी, उसके बाद अपने पास कौन सा है, नदी के द्वीप, है ना, उसके बाद है क्या चीज़, अपने अपने अजनबी, उसके बाद देखो इनका नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, है ना, इनका नाटक क्या है, उत्तर प्रियदर्शी, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। कविता संकलन अगर करोगे तो भग्नदूत, चिंता, उसके बाद है इत्यलम, उसके बाद है हरी घास पर छनभर, बाबरा अहेरी, उसके बाद आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि, ये सब कुछ इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कहानी स्टार्ट करते हैं। कहोगे भैया कितना सारा रचना, कितना कुछ ये करके गए हैं, अभी भी है, अब बोलो ये क्या करोगे। निबंध इनका कौन कौन सा है वो देखो। ठीक है, यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहस उछली, उसके बाद निबंध देखो इनका कौन सा है, त्रिशंकु, उसके बाद है आत्मने पद, उसके बाद है आलवाल। ठीक है, ये सब इनकी कुछ जो है क्या है, निबंध है। उसके बाद देखो संपादित ग्रंथ, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ठीक है, पुष्प करीनी, उसके बाद है रूपांवरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, ये सब इनकी कुछ संपादित ग्रंथ वगैरह है। ठीक है, उसके बाद ये देखो शरत चंद्र के जो है श्रीकांत, उसके बाद जैनेन्द्र कुमार के जो है त्याग पत्र, तथा अपने उपन्यास, अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियां का जो अंग्रेजी अनुवाद भी ये किए थे, है ना। उसके बाद देखो रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद ये किए थे, गोरा जो रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना थी उसको भी ये हिंदी अनुवाद किए थे।
क्लियर, बस बात खत्म। यही कुछ था रवि अपने पास आज्ञे जी के बारे में, जो भी चीज लेखक परिचय के बारे में जानना था वो सब चीज हम लोग जान चुके हैं ना। मतलब अपना लेखक परिचय तो भाई कंप्लीट हो गया है ना। लेखक परिचय को एक बार फिर से दोबारा से प्ले कर लीजिएगा इस क्लास के बाद, और उन सारी चीजों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको समय समय पर पढ़िएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दा। हम लोग का क्लास जो स्पेशली था वो अभी से शुरू होती है, तो अब से आपका फोकस 100% हो जाना चाहिए। और चलिए हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक लाइन हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। कंसंट्रेट प्लीज। चलो स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये जो थे ना, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे कुछ तस्वीरें जो देख रहे हैं, ठीक है, ये अग्गे जी जो हैं, ये कौन है? अग्गे जी जो हैं मालती के कौन है? तो ये जो है मालती के भाई हैं, ठीक है। भाई मतलब भाई बोलो या फिर इनको दोस्त ही बोलना सही रहेगा, है ना, दोस्त ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि ये लोग ना, ये लोग बचपन से ही साथ रहे हैं। और ऐसा है ना कि भाई बहन के बंधनों में नहीं बने, ये दोनों दोस्त ही रहे थे। एक तो दूर के भाई बहन ही हैं, है ना, भाई बहन का रिश्ता ही है, लेकिन बोले तो दोस्त ही बन के ये लोग रहे हैं, तो सख्य कहना, दोस्त कहना ही उचित होगा। तो ये अग्गे जी जाते हैं मालती के घर पे, ठीक है। अग्गे जी लेखक जो है अपने, वो जाते हैं मालती के घर पे, और मालती के घर पे जाते हैं ना, तो वहां पे जो उदासी थी उस उदासी के बारे में बात करते हैं कि मालती कैसे अपना जिंदगी गुजारा करती है ऐसे घरों में। तो उसी के बारे में ये पूरा रोज कहानी लिख दी है ना, कि मालती का रोज का जिंदगी जो है कैसा चल रहा होता है, बस वही यहां पे इस कहानी के माध्यम से बताए हैं। और चलो अब इसको विस्तृत फॉर्म में जानते हैं। स्पेशली इसमें वो औरतों के बारे में है, है ना, वो औरतों के बारे में है जो अक्सर सब दिन घर में ही रह जाती हैं, घर में खाना पकाना यही सब में रह जाती है, तो उसमें दिक्कत होता है ना, वो सब कैसा उन लोगों को कैसा फील होता है उसके बारे में यहां पर बात किए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप का छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा औकथ्य और स्पृश्य कुछ किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में घना सा जो है सन्नाटा फैल रहा था, है ना। आपके पास जो ये बुक होगा, ये जो बुक है, बस यही बुक का यहां पे पूरा लाइन बाय लाइन है ना, बस इसी चीज को हम यहां पे अच्छे से लिख दिए हैं, ठीक है। चलो बस इसी चीज को हम लिख दिए हैं और अब यहां पे हम लोग देखते हैं। क्या हुआ बोलो, पढ़ो पढ़ाई करो, कमेंट वगैरह छोड़ दो, ये सब मोह माया है ना, कुछ काम नहीं देगा। पढ़ाई कर लो, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, और बस फोकस करो। अब दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसे औकथ्य और स्पृश किंतु फिर भी बोझल प्रकंप में घना सा जो है सन्नाटा फैल रहा था, ठीक है। ये लेखक जो है अग्गे जी उस मालती के घर पे जाते हैं, अपनी बहन मालती के घर पे वो जाते हैं, और उसके आंगन में जैसे ही ये लेखक पैर रखते हैं ना, इनको जान पड़ता है कि मानो उस पर किसी सांप का छाया मंडरा रहा हो। मतलब मानो कि उसका जो आंगन है ना, उस पर मानो किसी का नजर लग चुक गया है, किसी का श्राप फैला हुआ है ना, किसी सांप का छाया मंडरा रहा हो। उस वातावरण में कुछ औकथ्य सा, मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता है, जिसको अस्पृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता है ना, लेकिन फिर भी वो बोझिल है और प्रकंप में है, मतलब फिर भी एक तरीके से हिलाता है, कंपन करता है ना, घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मतलब उसके आंगन में इतना सन्नाटा था, मानो लग रहा था कि मतलब क्या ही उसके जीवन, उस आंगन में कोई कैसे रह सकता है, अजीब सा वहां पे वातावरण था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, मतलब ये लेखक जैसे ही उसे घर पे पहुंचे तो आहट सुनते ही मालती घर से बाहर निकली, मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुस्कुराई हुई जो है मुख मुद्रा तनिक सी वो जो मुरझाई हुई जो मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय जगी और फिर पूर्ववत हो गई। मतलब यहाँ पे है, जैसे ही आहट लगा कि हाँ लेखक पहुंचे तो मालती दौड़ के आई, गेट खोली, ठीक है,
क्या बोल रहे हो? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक। चलो, आप लोग को नहीं पढ़ना है, जो लोग को नहीं पढ़ना है प्लीज यहां से चले जाएं, कमेंट में इधर उधर नहीं करना है। आप लोग आपस में नहीं लड़ो, क्लास पे फोकस करो, है ना? नहीं तो हम प्लीज हम बता रहे हैं, हम लाइव क्लास नहीं लेंगे आगे से। हम इसको भी रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसे दे रहे थे बस वो देंगे। अपॉर्चुनिटी है तुम लोग के पास, ये एक सही चीज आपको मिल रहा है, तो उसका प्लीज फायदा उठाओ, रेस्पेक्ट करो इन सारी चीजों को, है ना? चलो, यहां पे हम लोग फोकस करते हैं, जो कि यहां पे था, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हैं, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप का छाया मंडरा रहा हो। उस आंगन में कुछ ऐसा, मतलब ऐसा चीज था, मतलब मानो जिसको कहा नहीं जा सकता है, अजीब सा उस वातावरण में था, है ना? और अब देखो यहाँ पे था, जब लेखक उसके घर पे पहुंचते हैं तो उसके आहट सुनते हैं, क्या होता है, हम कमेंट एक तरीके से अभी क्या कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है? अब बस हम अपना जो है सीधा सी बात है, कमेंट हम नहीं देख रहे हैं, कमेंट पे कोई इधर उधर ध्यान मत दो, आराम से पढ़ो, नहीं तो हम भी इधर उधर हो जाते हैं, मतलब समझाने में उतना अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, आप लोग भी नहीं समझ पाओगे, है ना? तो चलो फोकस करते हैं और फोकस करके अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, आगे से हम लाइव नहीं आएंगे, चैप्टर लाइव नहीं पढ़ाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात क्या होती है, लेखक जो है अपने मालती के घर पे जाते हैं, उसके आंगन में पैर रखते ही ऐसा जान पड़ता है कि मानो उसके आंगन में ना किसी सांप का छाया मंडरा रहा हो, मानो उसके आंगन में ना कुछ अजीब सा है, अजीब सा सन्नाटा, जैसे उस आंगन में कोई कैसे रह सकता है, ऐसा लगता है, जिसको कहा नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, फिर भी कुछ कंपन कर रहा है, ऐसा कुछ महसूस होता है ना? जैसे ही लेखक जो है मालती के घर में आंगन में पैर रखते हैं, तो आहट सुनते ही मालती बाहर निकल के आती है, और उसकी चेहरा जो मुरझाई हुई थी, हमें देखकर थोड़ा सा वो खुशी होता है, वो जो स्माइल है थोड़ा सा आता है, फिर से वो मुरझा जाता है ना? तो ये बोलते हैं वो उसकी जो मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी, कि थोड़ा सा तो वो मीठा हुआ ही था, स्माइल आया ही था, फिर वो पूर्ववत हो गया, मतलब जैसे वो मुरझाई हुई उसका चेहरा था, फिर से वैसा ही हो गया। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए कि मतलब प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली, मैं भी उसके पीछे ही हो लिया, मतलब वो हमको देखी, मुस्कुराई थोड़ा सा, फिर वैसे मुरझा गई उसका चेहरा, है ना, फिर से। और उसके बाद क्या करती है, कहती है अंदर आओ, वो मालती कहती है कि अंदर आओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए कि हाँ हम भी बोलेंगे कि हाँ ठीक है बहन चलो, वो सीधा अपना घूम के फिर अंदर की ओर चलने लगी, तो लेखक भी पीछे पीछे चल दिए, ठीक है, ये भी अंदर जाने लगे। उसके बाद यहाँ पे है, भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है, ठीक है? लेखक जो है भीतर पहुंचकर पूछते हैं कि वे यहाँ नहीं है, ठीक है, वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ पे है, मालती के पति के बारे में, महेश्वर के बारे में चर्चा किया जा रहा है, पूछते हैं कि वे यहाँ नहीं है क्या, महेश्वर जी यहाँ पे नहीं है, तुम्हारे पति नहीं है? तो मालती बोलती है अभी आए नहीं, दफ्तर में है, ठीक है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, ठीक है, कब के गए हुए हैं? लेखक पूछते हैं कि कब के गए हुए हैं, तो मालती बोलती है सवेरे उठते ही चले जाते हैं, वो तो सवेरे उठते ही चले जाते हैं, ठीक है, मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा कि आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है, मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मतलब लेखक कहते हैं अच्छा, मतलब ये हूं करते हुए और ये सोचते हैं मन ही मन के, पूछते हैं कि और तुम क्या करते हो भर दिन, मतलब वो तो चले जाते हैं अपना दफ्तर चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो पूरे के पूरे दिन, है ना? और फिर सोचा छोड़ो, आते ही क्या ही इतना क्वेश्चन की बरसात कर दूं, है ना, इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, कमरे में आस पड़ोस इधर उधर अपने चारों ओर देखने लगते हैं, कौन ये लेखक, मालती के घर पे गए, अब मालती से पूछते हैं कि तुम्हारे पति नहीं है घर पे? अच्छा, तो वो बोलती है नहीं आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर उसके बाद मतलब ये अपना इधर उधर कमरे वगैरह में देखने लगते हैं। मालती एक पंखा उठा कर लाई, अब गांव में देखो, गांव वगैरह में भी ऐसा ही होता है कि मतलब गांव में क्या होता है, पंखा उठा के लाती है, वो हाथ वाला पंखा जो होता है आज के जमाने में नहीं मिलता है, लेकिन अब ये जो है इसमें वही चर्चा किया गया है, वो हाथ से जो पंखा रहता है, जो हाथ से मतलब उससे हवा निकलता है, हाथ से ऐसे ऐसे करो हवा निकलेगा, बस वो वाला पंखा। तो मालती एक पंखा उठाकर लाई और मुझे हवा करने लगी, मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेखक बोलते हैं अरे अरे नहीं 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 पंखा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतने धूप में आए हो यहाँ, है ना? तो मालती बोलती है अच्छा अच्छा नहीं चाहिए, इतने धूप में यहाँ पे आए हो और बोलते हो मतलब कुछ भी, चलो यहाँ पे देखो, मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। लेखक बोलते हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मुझे दे दो ये पंखा, है ना, ये पंखा जो है तुम मुझे दे दो।
ठीक है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं बाबू, रहने दो, कमेंट वगैरह ऐसे ही रहते हैं। यू नो ना कि मतलब हम क्या आपके लिए कर रहे हैं, आपको हम कैसा पढ़ा रहे हैं, बस ये काफ़ी है। चलो तो लेखक बोलते हैं, अच्छा ठीक है भाई, मतलब पंखा तुम हमको दे दो ना, तुम क्या बैठ के तुम हौक रही हो, हमको दे दो, हम पंखा हम खुद से कर लेंगे। वो शायद ना करने वाली थी मालती, शायद ना बोलती कि नहीं नहीं ठीक है हम ही हौक देते हैं, रहने दो तुम क्या लोगे। ठीक है, पर तभी दूसरे कमरे से एक शिशु के रोने का आवाज आता है ना, सुन के वो चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ रखते उठ के, ठीक है टेक कर, एक थकी हुई सी हूँ करके उठी और भीतर चली गई। वो ऐसे मतलब बैठी हुई थी नीचे और वो घुटने पर पाँव रख के उठी, और थकी हुई नहीं होती है तो मतलब हूँ करते हुए फिर वो जग गया है ना, ऐसे करते हुए फिर वो अंदर चली गई, घर में चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देख रहा था, ये कभी बोलते हैं कि मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया से इस घर में छाई हुई है, ये क्या हो गया है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि मालती कौन है ना, मालती के उस दुबले शरीर को देखते हैं और कहते हैं ये क्या है, कैसी छाया इस घर पे चल रही है ना। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना उचित है क्योंकि वो हमारे परस्पर संबंध सखी का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे हैं, हमारी पढ़ाई एक साथ इकट्ठे ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सखी की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है, वह कभी भ्रातृत्व या बड़े छोटेपन के जो है बंधनों में नहीं घिरा। ये कहते हैं कि मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन लगती है, लेकिन उसे सखी कहना, उसे सखी कहना, उसे दोस्त कहना ही उचित होगा, क्योंकि हम लोग ना कभी भी ये भाई बहन के बड़े छोटे के बंधनों में नहीं बने, हम लोग जो है ना दोस्त ही बन के सब दिन रहे, है ना। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, मालती के बारे में बताते हैं, और आज उसी बहन के, उसी दोस्त के यहाँ पे घर पे आए हैं, है ना। मैं आज कोई 4 वर्ष उसे 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। ये लेखक जो है 4 वर्ष बाद मालती को देखने आए हैं, है ना, अपनी बहन को देखने 4 वर्ष बाद आते हैं। मुझे जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वो लड़की ही थी उसके, अब वो विवाहित है ना, और एक बच्चे की माँ भी है। जब ये 4 वर्ष पहले मिले थे, है ना, 4 वर्ष पहले मिले थे, तो क्या था, वो मालती जो थी ना, मालती की शादी नहीं हुआ था, मालती लड़की ही थी, वो विवाहित नहीं थी, लेकिन अब उसका शादी हो चुका है, मालती का शादी हो चुका है, उसके पति हैं, एक बच्चा भी है छोटा सा, है ना, उसका बेटा भी है जिसका टीटी नाम है ना। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था कि मतलब उसमें कोई परिवर्तन भी आया होगा क्या। मतलब ये 4 साल बाद आए थे ना, तो ये नहीं सोच के रखे थे कि मालती में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा, उसका दुबला शरीर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगी, ये सोचे नहीं थे। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ, मैं सोच रहा था, ठीक है, देखता हुआ मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर यह क्या हो गया है ना, ये मालती पर क्या हो गई है ना, ये कभी बहुत सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 4 साल में 4 वर्ष में कैसे इतना बदल सकता है ना। तो ये कभी ये सोच रहे थे, ये अगे जी ये सोच रहे थे कि 4 साल में कैसे कोई इतना बदल सकता है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई, मालती गई घर में और अपना बेटा टीटी को उठाकर ये चली आई, फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई, है ना, मतलब हम जैसे बैठे हुए थे तो एक दरी नीचे बिछाई और वहां पे बैठ गई मालती, है ना, बैठ गई। मैं अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है ना, मतलब लेखक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मालती आती है, एक वहां पे लेखक यहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी लेके इधर घूम के बैठे हुए हैं, मालती आती है वहां पे दरी बिछाती है और उस दरी पे अपने बेटे को लेके बैठ जाती है। फिर कभी क्या करते हैं, अपना चेयर उठा के इधर घुमा लेते हैं और पूछते हैं इसका नाम क्या है, ये जो बेटा है तुम्हारा इसका नाम क्या है ना। तो मालती क्या बोलती है, चलो देखो, मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं, ठीक है। मालती बोलती है, अरे ये तो बच्चा ही है, इसका नाम तो अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन इसको टीटी कहते हैं हम लोग, है ना, इसको टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा आजा, है ना, कभी जो है उस बच्चे को बुलाते हैं, छोटा सा बच्चा था, है ना, बहुत छोटा सा, तो लेखक कहते हैं टीटी 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 आजा आजा आजा, है ना,
छोटे बच्चे को ये बुलाते हैं, पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया है ना, और वहां सा होकर कहने लगा है ना, बच्चे को जैसे को तुम बुलाओ ना, वो बच्चा ड्रामा, उसका ड्रामा देखना है ना, बड़ी बड़ी आंखें करके ये कौन आ गया मेरे घर पे, है ना, ऐसे करके देखने लगा और एकदम उसके बाद अपने माँ के से चिपक गया, अरे ये तो लग रहा है कौन आ गया पता नहीं, छोड़ो, वो बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, और उसके रोने लगा ठीक है। मालती ने फिर उसकी उसकी और एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी है ना, मालती उसके ओर देखते हैं और फिर उसके बाद आंगन की ओर देखने लगी, काफी देर मौन रहा है ना, थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, उसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि देखो, मतलब यहाँ पे जब लेखक पहुंचे हैं ना, 4 साल बाद अपने उस बहन के, दूर के रिश्ते की बहन के यहाँ पहुंचे हैं, अब ये सोच रहे कि कुछ तो बात हो भाई, बहुत देर तक कन्वर्सेशन कुछ हुआ ही नहीं, चुपचाप ही रह गए, आकस्मिक ही, अचानक ही, मतलब बात करने करने के दौरान, अरे क्या पूछे अब, ऐसे में वो चुप ही रह गए थोड़ा देर। उसके बाद ये सोचते मारे मालती कुछ तो पूछे भाई, मतलब कुछ तो हमसे पूछे, हम जवाब दें उसका, है ना, कब तक ये चुप रहे। फिर अचानक याद आता, अरे यहाँ मालती तो हमसे कुछ बात ही नहीं की है, ठीक है, यह भी नहीं पूछी कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है, क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई। ठीक है, लेखक 4 वर्ष बाद मिलने आते हैं, लेकिन जब वो मिले थे तब वो विवाहित नहीं थी, विवाह किया हुआ मालती का सिर्फ 2 साल हुआ है ना, विवाह किया हुआ मालती का सिर्फ 2 साल हुआ है, और 2 वर्ष में मालती, इतना अंतर हो गया मालती के अंदर, मैं आया हूँ तो मेरे बारे में पूछी तक नहीं कि मैं कैसा हूँ, क्यों आया हूँ, है ना, कैसे आया हूँ, ये सब कुछ भी नहीं पूछी, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्वाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये सोचते हैं कि अच्छा लगता है कि मुझे, मतलब जैसे हम लोग दोस्त थे ना, अब वैसा नहीं रखना चाहती मालती हमें, वैसा भाई वैसा दोस्त अब नहीं मानती है, थोड़ा दूर ही रहना चाहती है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार तो एक मतलब किसी से भी, अनजान से भी नहीं होना चाहिए, वैसा व्यवहार मेरे साथ क्यों हो रहा है, है ना? मैंने कुछ खिन्न सा होकर, मतलब मैं, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था लेखक को, है ना, खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखता हुआ कहा, जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, है ना, मतलब लेखक थोड़ा सा ना, मतलब अजीब लग रहा था लेखक को भी, मतलब कुछ भी नहीं पूछी, तो ये कहते हैं ना, कभी कहते हैं दूसरी ओर देखते हैं, जान पड़ता है कि मालती इधर बैठी है और लेखक इधर देख, वैसे जान पड़ता है, पता है कि तुम हमारे आने से कुछ विशेष खुश नहीं हो, ऐसे ऐसे देख के कहते हैं कि मुझे जान पड़ता है कि तुम मेरे आने से कुछ खास खुश नहीं हो, है ना, मालती का एक चौक कर, या हूं प्रश्न सूचक था, ठीक है, क्या बोले, हूं, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं, केवल विस्मय के कारण, कर ये क्या बोल दिया, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा, मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसकी आंखें नीची कर ली, ठीक है, मालती मेरी ओर देख रही थी, है ना, जब मैंने उसको देखा तो वो आंखें नीचे कर ली, है ना, फिर मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मैंने मतलब कभी देखे उस मालती के अंदर ना, विचित्र सा एक भाव था मालती के अंदर, कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बातों को याद करने का, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने का, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने का, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो वैसा, जैसा बहुत देर के प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे तो पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मय में मानो मन मर गया हो, उतने छिन्न बल से, ठीक है, यद्यपि वह सारा पर्याप्त बल है, उठ नहीं सकता, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का जो है टोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहता हो पर उतर ना पाए, है ना। यहाँ पे ये कहते हैं कि मुझे जब मालती की आंखों में मैंने देखा ना, तो अजीब सा उसके आंखों में कुछ भाव सा नजर आया, अजीब सा, विचित्र सा, जैसे कोई मतलब कुछ ऐसा चीज है जो वो बोलना चाहती है लेकिन वो बोल नहीं पा रही है, कुछ ऐसा जो वो वायुमंडल को फिर से जीवित करना चाहती है, अपने उस पुराने दौर को फिर से वो याद करना चाहती है, उसके बारे में बातें करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती है, वो पूर्ण चेष्टा कर रही है ना, जैसे कोई अंग, जैसे हम लोग बहुत देर तक कहीं पे बैठे रहते हैं एक स्थिति में, तो अचानक जो उठते हैं पूरा बल लगा देते हैं तो वो शरीर नहीं उठता है अचानक से, है ना, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है तो लगता है कि वो शरीर उठ ही नहीं रहा है, वैसा वैसा जैसे वो बहुत दिनों से इस मतलब वो
ऐसे स्थिति में इस सुने इस जो है ना ऐसे आंगन में वो रह रही है जहाँ पे अब जो है ना उसका मन अजीब हो गया है ना, तो वो चंचल नहीं रहे जैसा पहले चंचल हुआ करती थी, अब वो चंचलता उसमें नहीं रहा। ठीक है, इनको ऐसा जान पड़ता है। तभी किसी के जो है किवार खटखटाए, ठीक है, किसी ने किवार खटखटाया, तभी अचानक आवाज़ आता है किवार खटखटाने का, ठीक है, दरवाज़ा खटखटाने का। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। मैंने मालती की ओर देखा, किवार वहाँ पे जो दरवाज़ा था उस पे कोई खटखटा रहा है। मैंने मालती की ओर देखा पर मालती कुछ सुन नहीं रही थी, मालती कहीं खोई हुई सी थी। ठीक है, जब किवार दूसरी बार खटखटाए गए तो शिशु को अलग करके उठी और किवार खोलने लगी मालती, किवार तब गेट खोल दी। वे यानी मालती के पति आए थे, है ना, वे आ गए थे यानी मालती के पति आ चुके थे। ठीक है, मालती के पति आ गए थे घर पे। अब क्या होता है देखो, अब क्या होगा बताओ। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, मतलब ये कवि जो थे मतलब नहीं गए थे, कभी मिले ही नहीं थे, पहले बार देखे थे, उनके शादी में भी नहीं गए थे। मालती से जब वो मिले थे 4 साल पहले, मालती के 2 साल हो चुकी है शादी के, लेकिन मालती के पति से ये नहीं मिले थे, है ना। तो यद्यपि फोटो में उन्हें पहचानता था, मतलब दूर के रिश्ते की मतलब बहन ही है मालती, तो मतलब फोटो में तो ये देखे ही थे, तो फोटो से पहचानते थे। थोड़ा बहुत परिचय हुआ उनसे, कवि से मतलब अगे जी से, और मालती के पति महेश्वर जी से परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन स्थल के बारे में, ठीक है, उस स्थान के बारे में, और ऐसा अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह के जो है स्वरक्षात्मक जो होता है, स्वरक्षात्मक जो होता है, मतलब खुद को एक तरीके से रक्षा के लिए बोलो, जैसे कि मतलब जैसे पहली बार में किसी से मिलते हैं ना तो बहुत सारी बातें होती है, मतलब एक तरीके से जानने के लिए, हाँ वो भी सामने वाला भी हमको कुछ अजीब ना समझे, है ना, तो वो स्वरक्षात्मक कवच बनकर ऐसे कुछ बातें करते थे। मतलब मालती के पति से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा चीज़ उस स्थान के बारे में, उस जगह के बारे में, उनके बारे में, उनकी जॉब के बारे में, उनकी नौकरी कैसी चल रही है, उनके जीवन के बारे में, यही सब बातें चलने लगी। पहली मुलाकात में यही सब हुई। मालती के पति का नाम महेश्वर है ना, मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है, और वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। ठीक है, ये मालती के पति जो हैं, ये आपको बताया है मालती के पति, ठीक है, यहाँ पे बताए हुए हैं महेश्वर, ये क्या थे, एक डॉक्टर हैं, है ना, क्या है, एक डॉक्टर हैं, ये क्या है, एक डॉक्टर हैं, कहाँ पे, डिस्पेंसरी में, सरकारी डिस्पेंसरी में। ये मालती का घर कहाँ था, यानी ये महेश्वर जी का घर कहाँ था, इनका घर था पहाड़ में, है ना, पहाड़ में इनका घर था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उस पहाड़ी के नीचे जो है ये डॉक्टर मतलब ये एक डिस्पेंसरी था, वहाँ पे ये काम करते थे। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे, महेश्वर जी जो थे सुबह उठते 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते और 1:30 या 2 बजे लौटकर आते थे। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती थी, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते थे। मतलब ये जो है सुबह 7 बजे उठते थे और सबसे पहले डिस्पेंसरी हॉस्पिटल जाते थे, फिर एक बार वो 1-2 बजे वो आते थे। ठीक है, 1:30-2 बजे वो आते थे और फिर दोपहर भर छुट्टी रहती थी, फिर ये शाम में एक बार चक्कर लगाने के लिए जाते थे, 1-2 घंटे में चक्कर लगा के आ जाते थे। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे से चलता आ रहा था। नित्य वही काम, वही प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, है ना। वह स्वयं जो है उकताए हुए हैं और इसलिए, और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं, है ना। यहाँ पे ये अब बोला जाता है कि मालती के पति के बारे में कि वो महेश्वर जी वो ना एक सरकारी डिस्पेंसरी में काम करते हैं और साथ ही साथ अपना एक साइड से वो छोटा सा हॉस्पिटल भी खोल कर रखे हैं। अक्सर सरकारी डॉक्टर को देखोगे अपना साइड से एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल कर रखते हैं, तो वैसे ही वो डिस्पेंसरी में काम करते हैं और साथ ही साथ वहाँ डॉक्टर हैं और अपना एक साइड से क्या खोले हुए हैं, एक साइड से खोले हुए हैं अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल जहां पे और भी मरीजों को देखते हैं, है ना, प्राइवेट से। तो बस उनका भी ढर्रा जीवन में ना एक अजीब ही ढर्रा से चल रहा था, मतलब मानो कि जैसे सेम वही वैसे ही प्रकार के रोगी आते थे, वैसे ही प्रकार की दवाइयां लिखते थे, वैसे ही प्रकार की हिदायतें देते थे, वही रोजमर्रा वही जिंदगी उनका भी चल रहा था। और इसीलिए जब वो मालती के पति महेश्वर जी उस फ्री समय में घर पे आए थे ना, तो वो घर पे भी सुस्त ही थे उतना, चूंकि उनके अंदर भी उतनी ही व्याकुलता थी, है ना, अजीब ही धरफरी था उनके अंदर, तो यही बताया यहाँ पे गया है। आगे चलते हैं।
मालती हम दोनों के लिए खाना लेके आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछा खाया करती है, वो यहाँ नहीं खाती, हम लोग के सामने नहीं खाएगी, वो पीछे में खाएगी, है ना, घर के अंदर जाके बैठ के खाएगी। तो ये मालती के पति महेश्वर जी बोलते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है, यहाँ पे नहीं खाएगी, है ना। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठे रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले कि आपको तो खाने का मजा ही नहीं आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं, है ना। मालती के पति बोलते हैं महेश्वर जी लेखक को, आप तो अभी खा रहे हैं, अभी आप मतलब आपको तो खाने का मजा ही नहीं आएगा, चूंकि आप बेवजह ही खा रहे हो, मतलब बेवक्त खा रहे हो, है ना, मतलब बेवजह नहीं, बेवक्त। ठीक है, ये कोई समय थोड़ी है खाने का, आपको तो थोड़ा भी मजा नहीं आ रहा होगा। मैंने उत्तर दिया, कभी बोलते हैं कि नहीं, वाह, मतलब देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है ना, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, है ना, पर मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बोलती है, मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा तो रोज ही ऐसा होता है। ठीक है, मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। बच्चा रो रहा था, गोद में लिए हुई थी मालती, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, मैंने कहा, यह रोता क्यों है? कभी बोलते हैं कि ये बच्चा रोता क्यों है, ये टिटी रोता क्यों है बार बार। ठीक है, मालती बोली, हो ही गया ऐसा, चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रोता रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर। ठीक है, मालती बोलती है, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। बच्चा को बोलोगे ऐसे डांट के चुप कर, तो वो और रोने लगेगा। ठीक है, मालती ने भूमि पर बैठा दिया उसको, जमीन पर बैठा दिया, जाओ, और बोली, अच्छा ले, रो ले आराम से, और रोटी लेने आंगन में चली गई। जब हम भोजन समाप्त किए तब तक 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वह एक दो जो है चिंताजनक वहाँ पर एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना है, दो की शायद टांगे काटनी पड़ी, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवार बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी को देखता हूँ, है ना। मतलब वो डॉक्टर ये जो थे महेश्वर जी बोले क्या कि अभी थोड़ा हम जल्दी जाते हैं, चूंकि हॉस्पिटल पे कुछ गैंग्रीन के बीमारी वाले कुछ लोग आए हुए हैं और शायद उनका टांगे भी काटना पड़े, तो मतलब ऐसा कुछ अभी गैंग्रीन बीमारी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, है ना, तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो मैं उतनी ही देर में मतलब क्या करता हूँ, तब तक तुम क्या करो मालती, खाना खा लो तब तक। वो तो चले गए, मतलब कि वार वगैरह लगा ली मालती, उसके बाद ये बैठने ही लगी थी कभी के पास आके, तो कभी बोलते हैं, अरे मालती तुम भी जाके खाना खा लो, तब तक हम ये तुम्हारी टीटी ये बच्चे को देख लेते हैं, है ना, ये टीटी को देख लेते हैं। चलो बाबू आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने का कौन बात है, किंतु चली गई, है ना। वो बोलते, अरे ठीक है, खा लेंगे हम, मेरे खाने का क्या बात है, फिर भी लेकिन बेचारी चली गई मालती। ठीक है, मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, है ना, जिससे वह कुछ देर तो शांत हो गया, कभी थोड़ा देर टीटी को रखे तो जिससे वो शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खरके, ठीक है, दूर कहीं अस्पताल में वो घंटी नहीं होता है, वो बोलने वाला घड़ी जो होता है, टन टन टन, जितना बजता है उतना बार बजता है, तो वो कहीं अस्पताल में वो 3 बार बजा, मतलब 3 बज गए। एकाएक मैं चौंका, मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मालती कुछ ऐसे बोलती है, 3 बज गए, थकी हुई सी, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हुआ हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब सब कुछ तो मतलब हम लोग खा गए, है ना।
देखो पढ़ो ना तो फील के साथ पढ़ो, हम भी जैसे पढ़ रहे हैं ना तो हम एकदम फील करें कि वो सिचुएशन कैसा होगा, तो वही सिचुएशन में घुस के पढ़ो। कमेंट वगैरह क्या है सबको इग्नोर मारो, मोबाइल फुल स्क्रीन रखो, एकदम फुल पढ़ाई में ध्यान लीन हो जाओ, ठीक है, एकदम अंदर घुस के पढ़ो, है ना। तो मालती बोलते हैं अरे ऐसा बात नहीं है, बहुत था, बहुत था, हम तो बहुत खाए है ना। हाँ ये लेखक बोलते हैं हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैंने ही खा लिया था, वहाँ बच्चा कुछ होगा नहीं, और यूँ रोब जमा रही हो कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। ये कभी ऐसे बोलते हैं, अच्छा, भाजी तो सारा हमने खा लिया, ऐसे ही बोलते रहते हो कि हाँ बहुत था, रोब जमाते हो फालतू के, है ना। मालती मानो किसी किसी और विषय में बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता और आता जाता है तो नीचे से मंगा लेती, मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे अभी वही बढ़ती जा रही है, अभी तक वही चल रहा है ना। मालती बोलती है कि मालती लोग का घर क्या था, मालती लोग का घर पहाड़ पर था, बोला जाता ना पहाड़ों पर जीवन ही कुछ और होता है, तो मालती लोग का घर कहाँ पे था, पहाड़ों पे था, है ना, पहाड़ पे ये रहती थी, पहाड़ पे इसका घर था, पहाड़ों पहाड़ी लोग थे ये लोग, ठीक है, तो पहाड़ पे घर था। ये बोलती है कि सब्जी वगैरह ना पता है यहाँ पे आता ही नहीं है, जब कोई नीचे जाता है पहाड़ के नीचे जाता है तो उससे कोई मंगवा लेते हैं, पता है 15 दिन पहले जो हम आए थे ना साथ लेके सब्जी, वही चल रहा है अभी तक, अभी तक वही सब्जी बढ़ते जा रहे हैं, वही सब्जी अभी तक खा रहे हैं। मैंने पूछा नौकर नहीं है, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए, है ना। कभी पूछते हैं करे मालती नौकर नहीं मिला क्या यहाँ पे, तुम खुद से सारा काम करते हो, तो मालती बोलती है नहीं है, मतलब मिला नहीं है, तो 1-2 दिन में मिल जाएगा, है ना। देखो मालती को गरीब मत समझना तुम लोग, गलती मत करो ये चीज़, मालती अमीर घर से है, डॉक्टर है सरकारी अस्पताल में, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट उसका मतलब एक हॉस्पिटल है, सोचो पैसा कितना होगा, तो मालती को गरीब मत समझना, ये गलती मत करना, ठीक है। नौकर मिला नहीं है, नौकर रखा जाएगा 1-2 दिन में, तो मालती को गरीब मत समझना, बस वो अकेले रहते रहते ना उसका जीवन अजीब सा हो गया उस घर में, है ना, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजते हो, लेखक पूछते कि बर्तन भी तुम ही मांजते हो, तो मालती बोलती और कौन, यह कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ कहाँ गई थी, तो मालती बोलती आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे। तो कभी बोलते हैं क्यों पानी का क्या हुआ, मालती बोलती है रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। तो कभी बोलते चलो तुम्हारे 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं ही मन ही मन सोचने लगा कि अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई, है ना, कभी सोचते हैं। यही यही उसने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था पर मेरी सहायता टीटी ने की, एकाएक फिर से रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा, है ना। मैंने उत्तर मैंने उसे दे दिया, मालती को दे दिया, थोड़ी देर फिर मौन रहा, मैं जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा, जब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहाँ आए कैसे। मैंने कहा अच्छा अब याद आया है, तुमसे मिलने आया था और क्या करने। तो मालती बोलती है तो 1 दिन रहोगे ना, तो कभी बोलते नहीं 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 कल चला जाऊंगा, है ना। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन सी हो गई, है ना, मालती कुछ अजीब सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा, थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, कभी नोटबुक की तरफ वो देखने लगे, फिर थोड़ी देर बाद उनको ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मुझे मानो अपने बस में कर रही हो, मैं वैसा ही निरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जहाँ जैसे हाँ यह घर जैसे जैसे हाँ ये मालती है ना, बस वैसा ही मैं होते जा रहा हूँ, ये घर में कुछ ऐसा चीज़ है ना जो कि हमें भी अपने बस में करते जा रहा है, हम भी वैसे ही मायूस, हम भी वैसे ही छिन्न सा होते जा रहे हैं, है ना। मज़ा आ गया सर पढ़ने में, चलो दैट्स ग्रेट, पढ़ो। तो कभी पूछते हैं इसी दौरान कि मैंने पूछा, कभी पूछते हैं कि तुम पढ़ते लिखते नहीं, मालती से पूछते कह रहे मालती तुम पढ़ते लिखते नहीं हो। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब इधर होगा, मतलब कभी जो है मतलब पूछते मालती अरे मालती तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, कभी इधर उधर देखने लगे कहीं किताब वगैरह रखा होगा, है ना। तो मालती बोलते यहाँ, कहकर मालती थोड़ी सी हंस दी, अरे यहाँ, वह हंसी कह रही थी यहाँ पढ़ने को है क्या, मालती बोला मतलब उसकी हंसी कह रही थी, उसमें हंसी के पीछे दर्द था, यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा अच्छा
मैं वापस जाऊं जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर से समाप्त हो गया। कभी कभी बातचीत ही समाप्त हो जाती थी, पता ही नहीं रहता था कि भाई बात करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे, लारी में, मतलब गाड़ी से आए हो, है ना? तो बोलते हैं, कभी बोलते नहीं, पैदल आए हैं। इतनी दूर? मालती बोलती, इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की तुमने, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। कभी बोलते, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, मालती बोलती, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तर ले चलूँ, है ना? अच्छा किया। यहाँ तो बस एक मतलब ऐसे कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ थोड़ा सा। कभी बोलते हैं कि मतलब मालती पूछते, तब ऐसे ही आए हो? थोड़ा क्लास स्लो चल रहा है, आई मीन व्हाट व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। चलो, तो ये बोलते, नहीं नहीं मालती, एक मेरा नौकर आ रहा है पीछे से, कुली आ रहा है, कुली आ रहा है, वो बिस्तर लेके आ रहा है, मैंने सोचा बिस्तर लेके चलूँ। तो मालती बोलती है, अच्छा ठीक ही किए, यहाँ पे वैसे तो एक ही बिस्तर था ही, ठीक है। तो मालती बोलती है, अरे तुम तो थक हो गए, थोड़ा सा लेट वगैरह जाओ। तो कभी बोलते, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं थका, रहने दो रहने दो, थके नहीं, भला थके थके हैं। तो मालती बोलते, रहने भी दे, थके नहीं भला थके, मतलब भला थके हैं, है ना? और तुम क्या करोगी? मतलब ये पूछते हैं, कभी पूछते हैं, अच्छा तुम क्या करोगे? मैं बर्तन माज रखती हूँ, है ना? मालती बोलती है कि अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, मैं बर्तन माज के रखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी के साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। ऐसे मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं उगने लगा, है ना? बर्तन की वो आवाज़ वगैरह, और वो धीरे धीरे करके कभी को नींद आ रहा था ना, बहुत दूर ये पैदल चल के आए थे। एकाएक वह जो है एक स्वर टूट गया, मौन हो गया, है ना? एकाएक वो जो है ना, मतलब एक तरीके से एक स्वर जो आ रहा था, वो आवाज जो आ रहा था, वो टूट गया, मौन हो गया, एकदम पूरा शांत हो गया। उससे मेरी तंद्रा भी टूटी, मैं मौन से सुनने लगा, ठीक है। इनका नींद भी जो था वो भी टूटा, धीरे धीरे सुनने लगे। चार खरक रहे थे, ठीक है, चार खरक रहे थे, मतलब वही घड़ी में जो 3 बजा था, अब 4 बज गए। और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी, ठीक है। वह 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार वह जो है उग्र में थी, ठीक है, उग्र रूप में थी वो जो थी मालती। अब बहुत ज़्यादा वो थकी हुई थी, है ना? मैंने सुना मालती एक बिल्कुल जो है अनैच्छिक, अभिभूति विहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में वह कह रही थी, 4 बज गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मालती इतनी थकी हुई थी, इतनी थकी हुई थी कि वो अब वो समय गिनती रहती थी कि 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, वही गिनती रहती थी। बहुत थकी हुई बेचारी सी, बहुत निरस, ना चाहते हुए भी, ठीक है, अनैच्छिक, मतलब वो नहीं चाहते हुए भी, मतलब अपना उस काम में, उस यंत्रवत मशीन की तरफ वो चलती जा रही थी, मशीन की तरफ वो काम में अपना लगा ही रहती थी, ठीक है। मानो इस अनैच्छिक समय गिनते गिनते ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का जो है स्पीडोमीटर जो है यंत्रवत फासला नापता जाता है, और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैं अपने अमित शून्य पथ का जो है इतना अंश तय कर लिया, ना जाने कब मुझे कैसे नींद आ गई, है ना? जैसे मशीन वगैरह में होता है ना कि जितना चलता है उतना दूरी नाप के बता देता है कि इतना चले हैं, है ना? जैसे गाड़ी वगैरह, मोटर गाड़ी वगैरह, तो मतलब ये सब बात ये सोच रहे थे, अचानक ये कभी सो गए, नींद आ गए। तब छह कभी से बच चुके थे, है ना? तब जो है 6 कभी के बच चुके थे, मतलब 6 बज चुके थे तब, जब तक ये सो रहे थे तो ये तब तक 6 बज चुके थे। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए थे, और उनके साथ ही बिस्तर लिए मेरा कुली भी आ गया था। मैं मुंह धोने के लिए पानी मांगने का ही था तो मुझे याद आया कि पानी नहीं होगी। मैं हाथों से ही मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देरी की। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ आज थोड़ा सा गैंग्रीन का जो ऑपरेशन करना है, करना ही पड़ा, एक करके आया हूँ और दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन क्या होता है? तो ये बोलते हैं, एक कांटा चुभता था, ठीक है, उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपके केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए, ठीक है। तो बोले महेश्वर जी, बोले हाँ मिल ही जाते हैं,
यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पताल में भी, ठीक है, बड़े अस्पताल में भी जो थे तो वहां पर भी आ ही जाता है, अपना क्लिनिक पे भी आ ही जाता है। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई और बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभता था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टर ही है, हर दूसरे किसी दिन किसी के बांह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास। ओह, मालती ऐसे टोंट मार के बोलती है, इसी का नाम अच्छा अभ्यास, किसी को कांटा चुभता है उसको जाके हाथ पांव काट आते हैं, तो बताओ ये कोई डॉक्टर ही हुई, इसको डॉक्टर ही कहते हैं। हाँ पहले तो दुनिया में काटा ही नहीं। महेश्वर हंसे और बोले, ना ना काटे तो क्या उसकी जान गंवाने दे, है ना। तो मालती बोलते, हाँ हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, है ना, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं लोग, है ना। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए महेश्वर। मालती मेरी और देख कर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आते, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती करती थी, अब तो ऐसे नॉर्मल हो चुका है, अब तो डेली ऐसे सुनते रहते हैं, है ना। तभी आंगन से खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, बरसा पानी, है ना, मतलब टिप टिप वो नल से पानी गिरने लगा। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने भी जाना कि बर्तन धोने जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर के टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था, ठीक है, अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर जो है खिसकता हुआ चला, ठीक है, टीटी जो है मालती की ओर खिसकता हुआ चल दिया। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, महेश्वर बोले कि अरे अरे उधर मत जाओ, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, वो जो टीटी था वो रोने लगा, ठीक है। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, अब रो रो कर ये रोने लगा ना, अब रो रो के सो जाएगा, तभी घर में चैन होगा। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होगी, तो होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यहाँ लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए, है ना। बोलते हैं होने को तो गर्मी तो साथ होती है, मच्छर भी बहुत होता है, लेकिन ये जो लोहे के पलंग है इसको बाहर उठा के कौन ले जाए, है ना। अब के नीचे जाएंगे तो चार पाइयाँ ले आएंगे, है ना, वो खटिया टाइप का जो होता है उसको ले आएंगे, ठीक है। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का जो है इतना लाभ ही होगा, है ना, आज तो बाहर ही सोएंगे कि आप भी बेड लाए हैं, आपका भी वो लाया है बिस्तर, और साथ ही साथ मतलब आपके साथ हम भी अपना बेड निकाल लेंगे, ये लोहा वाला, ठीक है। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था, टीटी लगातार तब तक रो रहा था, ठीक है। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी और पलंग उठाकर निकलवा दिए। ये क्या किए, पलंग उठा के बाहर निकलवा दिए, चलो बाहर ही सोते हैं। अब हम तीनों महेश्वर टीटी और मैं दो पलंग पर बैठ गए, ठीक है, दो पलंग पर बैठ गए, और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगते थे। बात क्या करें, इसके लिए जो है ना, मतलब ये क्या करते थे, टीटी के साथ खेलने लगते थे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था टीटी, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक भूला हुआ कर्तव्य उसको याद आ जाता कि अच्छा अच्छा जा 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 मेरा तो काम रोना था, अचानक वो बेचारा रोना लगता था, रोने उठता था, ठीक है, और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हंस पड़ते थे, ठीक है, कभी कभी हम हंस पड़ते थे यही सब देख देख के, या मैसर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे कि अरे ये तो लड़का ऐसा है। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक जो है और रसोई में जो है छप्पर छप्पर की ओर चली, ठीक है। तब जो है महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना, ठीक है। महेश्वर जी क्या लेके आए थे, आम लेके आए थे, याद रखना। कहाँ है, तो मालती बोलते कहाँ है, तो कब, ये महेश्वर जी बोलते हैं, अंगीठी पर रखे हैं कागज में लपेटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में लिपटे हुए आम थे ना, वह किसी पुराने अखबार का वो टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस छिन्न प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी पढ़ रही थी, है ना, पढ़ती ही रही, वो उस पेपर को जिसमें आम लपेटा हुआ था उस पेपर को मालती पढ़ रही थी नल के पास खड़ी होकर। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब लंबी सी सांस लेकर उसे फेंक दी और आम धोने लगी। मुझे एक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम अभी स्कूल के भीतर ही में भर्ती हुए थे, मतलब इनको कभी को ना एक बात याद आती है कि जब ये स्कूल के भीतर भर्ती ही हुए थे उस समय की इनको एक बात याद आती है। वो बात भी हम आपको चलिए बताते हैं, ठीक है, वो बात भी हम आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छा सा वो बात भी है, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। आप लोग मस्त तरीके से जैसे देख रहे हो ऐसे ही देखते रहो लगातार,
और हम आपको अभी पूरा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा के कंप्लीट कर ही देंगे, तभी आप लोग को जाना भी है। ठीक है, अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कवि को ना एक बात याद आती है, जब इन्हें स्कूल में भर्ती ही किया गया था, मालती और इनको स्कूल में भर्ती किया गया था, तब का एक बात याद आती है, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजयी थी हाजिरी के हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़ तोड़ कर खाना। कौन ऐसा करता था बताओ तो तुम लोग में से? इनका सबसे बड़ा टारगेट होता था बचपन में कि जब हाजिरी बन जाए स्कूल में, सरकारी स्कूल था, जब सबसे बड़ा टारगेट इन लोग का हुआ करता था कि बस स्कूल में हाजिरी बन जाए, उसके बाद स्कूल से फरार और आम का बगीचा में जाके और वहाँ पे आम वगैरह तोड़ तोड़ के टिकला वगैरह वो सब खाते थे, है ना। तो ये इनका मतलब काम रहता था। और मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती, तब मैं खिन्न मन लौट आया करता था, है ना, कि जब कभी हम भाग जाते थे लेकिन मालती कभी स्कूल से नहीं भाग पाती किसी दिन, तो उस समय बहुत अजीब लगता था, है ना, बहुत खिन्न सा हो जाता था, बहुत उदास सा हो जाते थे। तो ऐसा कौन कौन करता था स्कूल से भागना, किसका मतलब काम था, ऐसा कौन से बच्चे हैं? हाजिरी लगाइए, जल्दी से बताइए। सर कितना लंबा कहानी है, खैर जो भी है मज़ा आ रहा है, चलो दैट्स ग्रेट, मज़ा तो आ रहा है, अच्छे से पढ़ो और इंटरेस्टिंग है अभी, है ना। लास्ट में हम पूरे अच्छे से, एक तरीके से नहीं भी समझ में आ रहा है एक बार अच्छे सुन लो, हम पूरे अच्छे से लास्ट में समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, मेरे माता पिता मतलब उसके माता पिता तंग थे, ठीक है, मालती से बहुत तंग थे, इतना थोड़ा भी ये नहीं पढ़ती थी। एक दिन उसके पिता उसके लिए एक पुस्तक दिए और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। उसके पिता पुस्तक दिए कि इसके 20 पेज तुम डेली पढ़ोगे इस किताब के। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। इसके पिता बोलते हैं कि ये तो किताब तुमको दे रहे और डेली तुम 20 पेज इसका पढ़ोगे, नहीं खत्म हुआ ना एक सप्ताह में, तो मार मार के तुम्हारा चमड़ी उधेड़ दूंगा, ये इसके पिताजी बोलते हैं। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी, वह नित्य ही उसके जो है ना 10 पेज 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। डेली वो क्या करती थी, पढ़ने के साथ 10 पेज 20 पेज फाड़ के फेंक देती थी, ठीक है, अपने खेल में किसी भांति जो है फर्क ना पड़ने देती, अपने खेल में कोई फर्क नहीं पड़ने दी उस पढ़ने की वजह से, डेली वो 10-20 पेज फाड़ के फेंक देती थी। उसके पिताजी बोले थे तुम डेली 20 पेज पढ़ोगे, ये तो फाड़ के फेंक दी, हर दिन 10-20 पेज फाड़ती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, पिताजी पूछते हैं अच्छा तुम 20-20 पेज डेली पढ़ते हो तो किताब समाप्त हो गया ना तुम्हारा, तो उत्तर में दिया हाँ, मतलब मालती बोलती हाँ सही बात है किताब तो हाँ खत्म कर ली, मतलब यहाँ पे ये बोलती है हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, लाओ किताब लाओ हम प्रश्न पूछते हैं तुमसे। तो चुपचाप खड़ी रही मालती बेचारी। ओ पिता ने फिर कहा, तो उदास स्वर में बोली, पिता ने फिर कहा तो बेचारी बोला किताब मैंने फाड़ के फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, ये बोलती है किताब तो मैंने फाड़ के फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी, ये ऐसे ये बोलती है मालती बोलती है। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद वो बहुत पीटी, बहुत पिटाई लगा मालती को, ऐसा कांड कोई किए हो भी हो, करना भी मत आगे, पर वह अलग बात है, पर वो अलग बात है, बेचारी को खूब पिटाई लगा था पर वो अलग बात है। उस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े से टुकड़े को जो है तरसती है, यह क्या है। तभी जो है ना महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी, तो बस अभी बनाती हूँ, मालती बोलती अभी बनाती हूँ, पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर गई तब टीटी जो है कर्तव्य भावना बहुत जो है विस्तीर्ण हो गया, मतलब उसको कर्तव्य था उसका कि हमको माँ के पास जाना ही है, मालूम उसका काम ही था ऐसे, वो एकदम नहीं हमको तो आज मालती के साथ ही जाना है, उसके बेटा मतलब वो टीटी बेचारा ना मम्मी के साथ ही हम जाएंगे, तो वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा मम्मी ऐसे, और नहीं माना, ठीक है। मालती उसे गोद में लेकर चली गई रसोई में, बैठाकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी, है ना, ये करने लगी, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और
हम दोनों चुपचाप जो है रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और ना जाने किस किस न्यूनता और की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे, मतलब बातचीत करने लगे, कुछ कुछ बातें करने लगे, है ना। भोजन वगैरह किए, हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था मालती पलंग से एक और जो है मोजामा जो है बिछा कर, मतलब दरी होता है उसको बिछा कर, क्या होता है, दरी बिछा कर उस पर लिटा गई थी, ठीक है, उसको बच्चा को टीटी को, ठीक है, वह सो गया था। वह नींद में कभी कभी चौक उठता था, एक बार तो उठकर बैठ गया पर तुरंत ही लेट जा गया, ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो बच्चा था, तुरंत उठ गया फिर तुरंत बैठ गया, सो गया। मैं महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे ना, सो जाइए। मैं मालती के पति महेश्वर से पूछता हूँ, कभी बोलते हैं, महेश्वर जी आप तो थक गए होंगे, थोड़ा सा सो जाइए आप, ठीक है। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल के आए हैं। कितने मील? 18 मील। कितने मील? 18 मील, याद रखना है। 18 मील पैदल चलकर मालती से मिलने आए थे लेखक, याद रखना है। 18 मील आप पैदल चलकर आए हैं, किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मतलब ऐसा तो लग रहा था कि हाँ, मतलब सही बात है, कभी भी सोचने लगे सही बात है, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊंग रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा जान पड़ रहा कि मतलब खुद ही वो ऊंग रहे हैं, है ना। ऊंग है मतलब एक तरीके से नींद झपकी ले रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे, मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा, वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी अपना, बेचारी कुछ कुछ सोचते हुए। फिर मैं उधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था, मतलब एकदम पूरा दिख रहा था एकदम, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और निरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी की में चमक रही थी। वो जो रातें थी ना पहाड़ की, वो रातें बहुत खूबसूरत होती है, वही इनको चमक वो दिख रही थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही थी, है ना। मतलब एकदम लग रहा था एकदम सब कुछ शीतल शांत, है ना, बन गया, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो, है ना। मतलब वो चांद की जो चांदनी है ना, वो एकदम बह रही हो, एकदम खूबसूरत लग रहा था वो पल। मैंने देखा पवन में चिर के वृक्ष जो है गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चिर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। अब वो जो मटमैला जो वृक्ष है ना चिर का, वो भी अब एक तरीके से गा रहे हैं, मगन है। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु आवेग आवेग में नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा है, कोई राग है, कोई गीत है, मतलब कोई ऐसा है चीज है जो कि कोमल है किंतु करुण नहीं, कोमल है किंतु कठोर नहीं, है ना, और शांति में है किंतु आवेग में नहीं, ठीक है। और शांति में है, ठीक है, कि मतलब शांति नहीं है उस जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हल्ला हो रहा है ना, ऐसा भी नहीं है। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे थे, वे भी सुंदर दिखते थे। मतलब वहां पे जो भी दृश्य था ना, वो बहुत अति सुंदर सा लग रहा था, कवि को ऐसा जान पड़ता था, तो वही चीज को यहाँ पे ये बोलते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन और शांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे थे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चिर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा दी है। मानो पर्वत जो है अपनी भुजाएं फैला दी है कि अब सारी जो भी गर्मी है ये है सारा चीज हमको दे दो, है ना, अपने अंदर वो समेट लिया और अब ये पूरा पहाड़ खूबसूरत दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पर यह सब मैंने देखा अकेले नहीं, महेश्वर ऊँग रहे थे और मालती उस समय भोजन के से निवृत्ति होकर दही जमाने के लिए जो है मिट्टी का जो है बर्तन गरम पानी में धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई है हुई जाती है, ठीक है, अभी छुट्टी हुई जाती है, मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि यह रोज रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन जो है अपनी रोज की जो है नियमित गति से बहा जा रहा था, ठीक है, और एक जो है चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था मालती। एकदम वो क्या कर रही थी, एक गर्म पानी में वो मिट्टी के बर्तन को धो रही थी ताकि वो दही जमाए, है ना, उसके लिए वो धो रही थी। और
चांद, वो ये सब, ये जो खूबसूरती था ना पहाड़ का, वो नहीं देख रही थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ही मगन थी, है ना। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस के जिज्ञासा मैंने टिटी की ओर देखा कि इस चांदनी में अच्छा ये बच्चा कैसा दिखता है। इस जिज्ञासा से मैं उस टिटी की ओर देखने लगा, है ना। वह एकाएक मानो कोई शैशवोचित जो है ना वामता से भर उठा, और मतलब कुछ हो गया उसको, मानो कुछ वो रोने वगैरह टाइप का, खिसक कर अचानक वो पलंग से नीचे गिर पड़ा। वो बच्चा जो था टीटी, पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? महेश्वर तुरंत उठ गए, सोए हुए थे बेचारा, उठ के कहे क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने द्वारा मालती रसोई से बाहर निकल कर आई। मैंने कहा, खट शब्दों से याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लगी होगी बेचारे को। खट, चोट बहुत लगी होगी बेचारे को, कभी ऐसा कहते हैं। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति से हो गया हो। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिरता पड़ता है। मालती ऐसे बोलती है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं अस्तब्ध हो गया, मैं मतलब एकदम शांत हो गया, चौंक गया। फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व में ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बोला, मतलब ऐसा मानो कि मतलब कोई लग रहा था कोई विरोध कर रहा है, मेरा शरीर ही खुद से विरोध कर रहा है। अंदर ही मैंने कहा, बाहर ही एक शब्द भी नहीं बोला कि माँ, युवती माँ, माँ युवती माँ, तुम्हारी हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बातें कह रही हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है तब ऐसी बातें कहते हो? कभी अपने अंदर सोचते हैं, बस थोड़ा ही देर है, ठीक है, अब थोड़ा ही है, बस खत्म ही है, 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं थी। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब ने में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। तब मैंने जाना कि ये जो कोई मिथ नहीं है, ये जो कोई ना मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहे कि इस घर में कोई सांप का छाया मंडरा रही हो, सच में ऐसा है। उस कुटुंब पर, उस लोगों पर सच में किसी का छाया मंडरा रहा हो ऐसा जान पड़ता है, ठीक है। उसके जीवन में इससे पहले ही उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, ठीक है। वो जो छाया है उसके जीवन जब शुरुआत ही है ना, अभी पूरा जिंदगी उसका बाकी है, उसका पूरा जिंदगी ही जब बाकी है, उसी जिंदगी में उसका अब ये घुन लग चुका है। ये शुरुआती जीवन में ही जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है तो लकड़ी बर्बाद हो जाता है, वैसे ही उसके शरीर में, उसके जीवन में वो घुन लग चुका है ना। और यहाँ पे उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है, अब वो जो मतलब उसका ये जो है छाया अभिन्न अंग हो गया है कि वे पहचानते ही नहीं, उसी की जो है परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतनी ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया, आज ऐसा देख भी लिया कि मालती कैसा व्यवहार किया अपने एकमात्र बच्चे के लिए, है ना। तो ये मतलब देख भी लिए। इतनी देर में पूर्वत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊंचे ऊँग रहे थे, महेश्वर फिर से नींद पड़ने लगे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आधा सिसकी और छोटे से शरीर को हिला देता था, बच्चा था। मैं भी अनुभव करने लगा कि मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारे को, मतलब ये नहीं पता कि वो चांद को देख रही थी, वो चांदनी को देख रही थी या तारे को देख रही थी। तभी 11 का घंटा बजा। मैं अपनी भारी सी भोले पलकों को उठाकर आकस्मिक किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे के खरकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। और ये पूरा कहानी खत्म। क्या होता है कि मालती से वो बच्चे चिपक कर बैठ गया। मालती अपने आकाश की ओर देख रही थी, पता नहीं वो चांद को देख रही थी या वो चांदनी को देख रही थी, वो चांद को देख रही थी या तारों को देख रही थी, पता नहीं, लेकिन वो देख रही थी। बच्चा भी मालती से चिपक कर आराम से सो गया था, कभी कभी एक आध सिसकी वगैरह ले लेता था, बाकी वो सो गया था। ये भी अपना, इनको भी लग रहा था कि अब नींद आ रहा है, कुछ चीज़ का प्रतीक्षा करते हुए मालती की ओर देखते हैं और आराम से फिर जाकर उसके बाद ये भी मतलब ये देखते हैं कि मतलब जैसे ही वो खरकन बजता है ना 11 बजने का, तो मालती का ना मतलब छाती जो है ना एकदम मानो कि मतलब अब बहुत ही एक तरीके से फफूंद गया, एक तरीके से मानो हल्का हो गया और अब धीरे धीरे शांत हो गया कि हाँ ठीक है, अब जो है चैन आया, है ना, अब जो है चैन आया, ऐसा मालती को महसूस हुआ।
कि चलो अब 11 बज गए, अब यहाँ पर चैन आया, अब थोड़ा सा रुको, अब 3 मिनट मात्र रुको, 3 मिनट में हम आपको पूरा ये स्टोरी इतना मक्खन कर देंगे ना जितना आप सोचे नहीं होंगे, बस 3 मिनट रुको, 2-3 मिनट हमको समय दो और हम आपको बहुत अच्छा ये स्टोरी एकदम शॉर्ट वे में बताते हैं, ठीक है, बस सुनो इसको। देखो रोज पाठ है, इसको अगेजी लिखे हैं, ये एक कहानी है जिसमें मालती एक कहा, ये जो है ना मेन मुख्य जो है यहाँ पे कौन है, अभी एक तरीके से मुख्य रूप से यही पात्र है, ठीक है। मालती के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, मालती एक लड़की है, औरत है ना, जिसके शादी हुआ बस सिर्फ 2 वर्ष ही हुआ है, उसका पति है, पति का नाम है महेश्वर, जो कि एक सरकारी डिस्पेंसरी, एक जो है सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, साथ ही साथ उनका साइड से एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, डिस्पेंसरी भी वो खोल कर रखे हैं, ठीक है। मालती का एक बेटा भी है छोटा सा, टीटी, जो कि चिड़चिड़ा हुआ बच्चा रहता है, हर हमेशा रोता रहता है या सोता रहता है, ठीक है। उसके साथ में अग्गे जी जो है मालती के क्या है भाई लगते हैं, लेकिन भाई कहना उचित नहीं होगा, चूंकि ये लोग ना भाई बहन के बंधनों में कभी बंधे नहीं, बड़े छोटे के बंधन में ये लोग दोस्त ही बन के रहे हैं ना, हैं भाई बहन ही लेकिन दोस्त ही बन के रहे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। लेखक ना 4 साल बाद मालती से मिलने जाते हैं, 18 मील पैदल चलकर, है ना, 18 मील ये पैदल चलकर मालती से मिलने जाते हैं, ठीक है, मालती से ये मिलने जाते हैं पैदल चलकर 18 मील, और 18 मील का आप देखोगे, ठीक है, तो 18 मील के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये होता है 28.9, ठीक है, यानी एक तरीके से ऑलमोस्ट मान लो 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर पैदल चलकर ये अग्गे जी जाते हैं अपनी बहन मालती से मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है, मालती से मिलने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि मानो उसके आंगन में ना किसी सांप का छाया मंडरा रहा हो, जैसे वो वहाँ पे ऐसा चीज़ है जो कोई अपने लोगों को अपने बस में कर लेती है और लोग वहाँ पे स्वतंत्र एक तरीके से ना जी नहीं पाते हैं अच्छे ढंग से। मालती के उस परिस्थिति को देख के वो तरसते हैं कि क्या ये चंचल लड़की जो इतनी चंचल थी आज ऐसी बन गई है, ऐसे दुबला शरीर को देख के कभी को आश्चर्य लगता है ना, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया है जैसे एक घर की औरत जो रहती है जो कभी बाहर नहीं जाती है, कभी बस घर में रहती है, उसके पति वगैरह तो बाहर जाते हैं, घूमते हैं, जॉब करते हैं, आते हैं घर पे, है ना, उनका तो दिन मन लगते रहता है, लेकिन एक घर में बैठी औरत का मन कैसे लगता है और वो कैसा फील करती है, उसके जीवन में कैसा क्या हो रहा होता है, इसके बारे में यहाँ पे कभी बहुत अच्छे से बात किए हैं, है ना, और इस चीज़ पे कभी गौर करवाना चाहे हैं, है ना, तो मतलब जरूरी है कि हर स्त्री को, हर औरत को भी अपना कुछ ना कुछ करे, ताकि मतलब वो भी अपना इस तरीके से जीवन घर के अंदर बस रह, मतलब इतना सिकुर के उसका जिंदगी ना रह जाए, है ना, तो इसके लिए जरूरी है कि हर कोई अपना अपना मेहनत करे, पुरुष भी कर रहे हैं, स्त्री भी कर रहे हैं, ताकि सबका जीवन मतलब अच्छे तरीके से बना रहे, ऐसा मतलब एक सीमित जिंदगी ना बन जाए, और उसी सीमित जिंदगी के बारे में, उसी मालती के जीवन के बारे में कभी बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और ये कहानी वाकई बोल सकते हैं कि विवाहित महिलाओं के बारे में बहुत ही उचित जान पड़ता है, बहुत ही सही तरीके से ये वर्णन किए हैं। आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये हम समझा पाए होंगे, थोड़ी सी बड़ी कहानी थी इसलिए हम थोड़ा सा तो जल्दी हम किए हैं, ये भी चीज़ हम मानते हैं, जितना हम स्लो स्लो और जितने अच्छे से हम पढ़ाते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ाए, लेकिन फिर भी अपने तरीके से हम पढ़ाएं कि हाँ जल्दी से जल्दी आप लोग को ये पढ़ा दे, है ना, और पूरा स्टोरी भी आपको समझ में आ जाए, तो आई होप सो कि सबको समझ में तो आ गई होगी, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, जिन लोग को दिक्कत है एक बार फिर से देख लीजिएगा इसका, बाकी जो है और पीछे जितने भी चैप्टर्स वो सारा पढ़ा चुके हैं और लगातार आगे भी पढ़ाते चल रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लगातार डेली वीडियोस वगैरह आएंगे, है ना, डेली शाम में 7 बजे में आ जाते हैं लाइव, और डेली आप लोग को भी पहुंच जाना है, ठीक है, तो चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो जैसा भी लगा होगा आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे, तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए, है ना, अच्छा लगेगा, कमेंट करके जरूर से बताना है, ठीक, सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, हमने कोशिश किया कि आप लोग को लाइव में आके ये सारा चीज़ अच्छे से बताएं और शायद हम बता दिए आप लोग को, है ना, खुशी मिला, हमको तो बहुत मिला पढ़ा के, चलो तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।